हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम फिर से खेलेंगे द वॉकिंग जोम्बी डेड सिटी। ये सीरीज की सिक्स्थ गेम प्ले होने वाली है और ये तगड़ी सी शॉर्ट गन मैंने इसे भी इससे पिछली गेम प्ले में बाई कर लिया था और इसे मैं फुल मैक्स अपग्रेड कर चुका हूँ और अब आ रही है गेम को शुरू करने की। और ये हमेशा की तरह शुरुआत होगी अरीना से और इस बार मेरे पास एक रेंच है और भाई किसने मारा। इस बार सामना है हमारा जॉम्बी रैट से जिन्हें पिछली सी गेम प्ले में हम फिनिश कर चुके हैं। इनके बॉस से भी हमारा सामना हुआ था पिछली गेम प्ले में और भाई बातों में मुझे पता ही नहीं चला इन्होंने कब मेरी हेल्थ पूरी डाउन कर दी। सिर्फ 6 जॉम्बीज को मैं मार पाया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तगड़े जॉम्बी रहे हैं, काफ़ी तगड़े से। और ये कोई पुरानी फैक्ट्री का एरिया है शायद, शायद नहीं, ये पक्का, हाँ ये पक्का किसी पुरानी फैक्ट्री का एरिया है। अब तो पूरी तरह से ये खंडर बन चुका है और इसे खंडर बनाने का जो काम किया है वो किया है इन जॉम्बीज ने। और ये पहला लेवल देखते ही देखते फिनिश हमने कर लिया है। बढ़ता है डे 63 की ओर और इस बार काफ़ी बड़ा सा एरिया है फाइटिंग जॉम्बीज से फाइटिंग करने के लिए और काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। ओ भाई ये कहाँ आ गया मेरे सामने से अचानक। और ये जो छपरी जैसे जॉम्बीज हैं इनके हेयर स्टाइल देखो भाई, किस टॉकर जॉम्बीज हैं। तो पहले मुझे लग रहा था इनकी बियर्ड होगी बड़ी सी, लेकिन जब वो जॉम्बी मेरे सामने आया तब पता चला कि भाई ये कोई बियर्ड नहीं, ये उनका फेस का शील्ड है। अभी देखो दूर से देखने को ऐसा ही लग रहा है जैसे इसने उसकी बियर्ड है, लेकिन ये बियर्ड नहीं है। ये देखो भाई सामने से देखो, अरे भाई यहाँ पे जॉम्बी रैट भी आ चुके हैं। ये थोड़ा परेशान करता है मुझे, एक तो जिग जैग करते हुए आते हैं ना, इनके निशाना आसानी से नहीं लगता है। और भाई रैट की बात हो रही थी और अब बैट की भी बात होगी क्योंकि अब जॉम्बी बैट ने भी आना शुरू कर दिया है। चलो कोई नहीं, हमारे पास एक तगड़ी सी शॉटगन तो है ही, इससे हम निपटा लेंगे। और गाइस इस शॉटगन की एक खासियत आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, इसकी एक खासियत यह है अगर मैं इससे किसी जॉम्बी पे शूट करता हूँ तो वो धक्का खाता है। जैसे आपने इस रैट को देखा, मैंने इस पर शूट किया, जब ये मेरे पास आ जाए, जब कोई जॉम्बी मेरे पास आ जाए अगर मैं उस पर शूट करूँ तो उसे ये इसकी बुलेट्स मतलब पुश करेगी पीछे की ओर। ये काफ़ी सही चीज़ है, अगर कोई जॉम्बी हमारे काफ़ी सामने आ जाता है तो हम उसे खुद से दूर कर सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं स्नाइपर राउंड में और ये वही जगह है और ये वही बच्चा है। और लेकिन इस बार जॉम्बीज अलग है, जगह वही है, बच्चा भी वही है, लेकिन इस बार जॉम्बीज अलग से हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास स्नाइपर है तगड़ी सी। देखो एक शॉट में जॉम्बी कैसे ढेर हो जाता है स्नाइपर से। फिलहाल में स्नाइपर का यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरे पास की काफ़ी एमोस हैं। अगर एमोस ना भी हो तो मैं मेरे पास इतने कॉइन्स तो हैं कि मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने की नहीं, अभी इतनी ज़रूरत ही मुझे नहीं पड़ी इस स्नाइपर का यूज़ करने की। और 18, 19 और 20 जॉम्बीज, अब हाँ 20 जॉम्बीज को हमने यहाँ पर ढेर कर लिया है। टोटल 27 है और ये थर्ड वेव चल रही है। इस बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी हमारी। और ये आखिरी जॉम्बी, इसे भी निपटा लिया है, लेवल कंप्लीट। 10,289 कॉइंस इस राउंड से हमें मिले हैं और हम पहुंच चुके हैं डे 67 की ओर। और इस बार स्पाइडर से होगा सामना। भाई सच बताओ स्पाइडर से काफ़ी मैं डरता हूँ। भाई ये क्या, जैसे रियल में अगर हम स्पाइडर को मारे तो उल्टा हो जाता नहीं है, जैसे उल्टा हो गया सिकूट टाइप का जाता है, इसमें भी वैसे हो रहा है। ये देखो भाई
यार गेम है यार ये, कसम से काफी अच्छा गेम। और ये वाइल्ड जोम्बी, एक और ए कंप्लीट, ए 60 और की ओर, सॉरी 68 की ओर हम बढ़ चुके हैं। और ये वाइल्ड जोम्बीज भाई, ये देखो यार इतना डरावना सा स्पाइडर है, और इसकी हेल्थ भी काफी सही है। तीन शॉट मारने पड़ रहे हैं तब ये ढेर हो रहा है। बाकी जॉम्बी से तो अब मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन स्पाइडर जॉम्बी से काफी डर लग रहा है। स्पाइडर होते ही इतने डरावने से। और यहाँ पे ये बैट, डे डे कंप्लीट या लेवल कंप्लीट कुछ भी बोल सकते हैं। पहुंच चुके हम डे 69 की ओर, और अब बहुत जॉम्बीज काफी दूर चले गए हमसे, मतलब वो 10 डेज के अंदर हमें नहीं मिलते हैं। कम से कम 15 डेज के अंदर हमारा सामना होता है बहुत जॉम्बी से, 15 ही 20 डेज के अंदर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बार बॉस जॉम्बी होगा कैसा और कहाँ से आएगा, क्योंकि मैं पहले ही डर चुका हूँ जॉम्बी स्पाइडर को देखकर। और ये यहाँ पे ये लेवल भी फिनिश हमारा हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। गन तो फुली हमारी मैक्स है, मैं अपनी गन को पहले मैक्स कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। फुली मैक्स लेवल की गन से अगर हम फाइट लेंगे तभी तो मजा आएगा। बार बार अपग्रेड करने का झंझट खत्म। तो भाई इस बार तो काफी बड़े झुंड में ये जॉम्बी रैट, सॉरी जॉम्बी बैट उस पर अटैक करने आ रहे हैं। ये भी गया, देखो मैंने इसको शूट किया दूर जाके गिरा। ये शॉटगन पुश करती है, एनिमी को पुश करती है। और फिर से अरीना की ओर हम पहुंच चुके हैं, और इस बार कौन से जॉम्बी से हमारा सामना होगा वो भी पता चल जाएगा। अरे भाई एक छोटा सा मेरे पास नाइफ है, और ये तगड़े से जॉम्बी आ रहे हैं, जॉम्बी स्पाइडर। लेकिन इसको मैं इस नाइफ को ऐसा मामूली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये देखो उनकी मुंडी कैसे अलग कर रही है नाइफ। एट जॉम्बीज को हमने इस राउंड में किल किया, ये बहुत कम है लेकिन सही है, ज़्यादा बड़ा भी क्यों ले जाना है। ऐसे भी अरीना है हमारा मेन मकसद, इस लेवल को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और इसके बॉस तक पहुंचना है। ये बॉस को ख़त्म करते ही पूरा लेवल ख़त्म, और हम फैक्ट्री से आ जाएंगे बाहर। फिलहाल फैक्ट्री तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, इन जॉम्बीज ने अड्डा बना दिया इस फैक्ट्री को अपना। कोई बात नहीं, इस फैक्ट्री को भी हम इन जॉम्बीज के चुंगल से जरूर आज़ाद करेंगे। और एक जॉम्बी हम मटकता मटकता आ रहा है, मेरे पास पहुंच नहीं पाएगा। और एक मेरे सामने था, इसे क्या मैंने डिस, भाई रुको अब मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई वाइल्ड जॉम्बी नहीं था, इसको मैं छपरी जॉम्बी नहीं बोल रहा, वाइल्ड जॉम्बी नहीं है भाई। इसका आउटफिट देखो, अभी दिखाऊंगा मैं अगर सामना हो रहा। ओ भाई अब तो यहाँ पर पुलिस जॉम्बी भी आनी शुरू हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा था उस छपरी जॉम्बी की, छपरी जॉम्बी नहीं है भाई मेरे, वो है विजनर है कोई। अभी देखा मैंने ध्यान से, मैंने मतलब अभी तो देखा विजनर है वो। अभी अगर फिर से दिख जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्रिजनर है यार जो मेरे बिल्कुल सामने है। तभी मैंने इस बार ध्यान से देखा, उसकी आउटपुट पूरी प्रिजनर जैसी थी, खूंखार प्रिजनर है भाई वो। अभी फैक्ट्री में प्रिजनर कहाँ से आ गए, प्रिजनर नहीं होगा यार। अब मुझे लग रहा है इस फैक्ट्री का वर्कर है, हाँ ये हो सकता है। नहीं नहीं प्रिजनर नहीं, वो इस फैक्ट्री का वर्कर है। ये प्रिजनर कहाँ से होगा, ये तो फैक्ट्री का एरिया है, कोई जेल का एरिया तो है नहीं।
आप सोचोगे तो पुलिस कहाँ से आ रही है। तो भाई बात ऐसी है कि इन पुलिस जॉम्बी को तो हमने पहले निपटा लिया था, ये कुछ बच गए होंगे तो अब झुंड में हमें ख़त्म करने आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। बहुत जल्द इनके बॉस तक भी हम पहुँचेंगे और उससे भी मजा चखाएंगे। इसे तो सीधा ऊपर भेज देना है बॉस जॉम्बी को, छोटे मोटे तो कोई बात नहीं, इनसे तो निपट लेंगे, लेकिन दिक्कत आती है तो थोड़ी सी बॉस जॉम्बी के साथ फाइट करने में। फिलहाल तो मुझे दिक्कत स्पाइडर से आ रही है भाई, और मैं स्पाइडर को देख के ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस बार का जो बॉस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। हेलो भाई, बस एक डे दूर हम बॉस जॉम्बी से, ये तो वाइल्ड जॉम्बी है यार, ये पक्का वाइल्ड जॉम्बी है। यह है कबीले के आदिवासी। अब वर्कर जॉम्बी ने आना बंद कर दिया है, उनकी पूरी तादाद खत्म हो चुकी है। और ये देखो यार, स्पाइडर कितने जल्दी मेरी हेल्थ डाउन कर रहे हैं, 40% बची थी। चलो कोई नहीं, फिलहाल मेरे पास, फिलहाल को छोड़ो भाई, बॉस की ओर बॉस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, और इस लेवल में टोटल 2 वेव्स हैं। 4 जॉम्बीज से हमारा होगा सामना, तो पहले इसके चमचे आएंगे। चलो पहले चमचों को निपटा लेते हैं। 2 चमचे तो गए, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, लेकिन मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ले गए। कोई बात नहीं, 10% मेरी हेल्थ ले जा चुका है। और ये क्या हो रहा है, जमीन हिल क्यों रही है, भूकंप आ रहा है क्या? और भाई वो भाई ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जाइंट स्पाइडर है। अबे इसने जाल छोड़ दिया, हम पे टैप करना है और जाल को शायद हमने तोड़ दिया है। ये तो बहुत ही बड़ा है, हिल क्यों नहीं रहा अपनी जगह से, इसका बस एक ही अटैक है क्या? अरे यार इसके चमचे ये दिक्कत देंगे, पहले इनको निपटाना पड़ेगा। अबे यार इसको निपटा लिया, तो 2 चमचे और बचे इसके, 2 नहीं शायद 1। मैंने इसकी एक साइड की सूरत तो बिगाड़ दी है, मतलब मुझे इसका पूरा मुखड़ा बिगाड़ना है। अरे यार 35% भाई मुझे अब लग रहा है, मुझे पहली बार इस गेम में पहली बार मेडिपैक यूज़ करना ही पड़ेगा। अरे कैसे करूँ इसे, तो फिर पे लाल छोड़ दिए फिलहाल। चलो ठीक है, 100% हमारी हेल्थ फुल हो चुके हैं भाई। ये पहला ऐसा जॉम्बी है जिसके सामने मुझे मेडिपैक लगाने की ज़रूरत पड़ी, कसम से ये अब तक का सबसे टफ बॉस जॉम्बी मुझे लगा। अभी इसे फिनिश करना बाकी है, फिलहाल इसके चमचे तो चमचों को तो हमने ढेर कर लिया है, बस आखिरी यही बचा है। और ये भी जाने ही वाला है, बस 2-3 शॉट और। और ये देखो जो होल बना के आया था उसी होल में वापस ये गिर चुका, और भाई 2,14,836 पॉइंट्स हम जीत चुके हैं। और इसी के साथ एक नई गन हमारी खुल चुकी है, इसे मैं खोल लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, और इसे अगली गेम प्ले में देखेंगे कैसी होने वाली। ये हमारी पहली ऑटो राइफल होने वाली है, तो नेक्स्ट गेम प्ले में हम देखेंगे गन कैसी होगी। तो मिलेंगे सीधा नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, बाय।